हेलो एवरीवन, आज 26 जून और 26 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए गए नए विधेयक के अनुसार आपात वाहनों को रास्ता न देने पर कितना जुर्माना का प्रावधान किया गया है? कितना जुर्माने का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है 10,000 रुपये। इसके तहत आपात वाहनों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस देश के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस देश के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ईरान। ऑप्शन नंबर ए ईरान। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों से ईरान के सर्वोच्च नेता और अन्य अधिकारी अमेरिकी क्षेत्र में किसी भी बैंकिंग सुविधा के लाभ नहीं उठा पाएंगे अगला क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी का क्या नाम है जिसकी एंटीगुआ की नागरिकता को रद्द करने की घोषणा की गई है? पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी का क्या नाम है? इसका नाम है मेहुल चौकसी। ऑप्शन नंबर सी मेहुल चौकसी। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन गैस्टन ब्राउन के मुताबिक मेहुल चौकसी को पहले यहाँ की नागरिकता मिली हुई थी, लेकिन अब इसे रद्द किया जा रहा है और भारत में वापस भेजा जा रहा है। और एंटीगुआ का कैपिटल है सेंट जॉन्स, सेंट जॉन्स। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 5 साल में राष्ट्रीयकृत बैंकों के बिलफुल डिफॉल्टरों की संख्या कितनी हो गई है? इसका सही आंसर है 60%। ऑप्शन नंबर डी 60%। और जो क्षमता होने के बावजूद लोन नहीं चुकाने वाले को बिलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है। बिलफुल डिफॉल्टर का मतलब है जो क्षमता होने के बावजूद लोन नहीं चुकाने वाले बैंकों को बिलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल ने कंपनी में अपने 531 करोड़ रुपये के 5.4 लाख शेयर किस कंपनी को बेचे हैं? इसका सही आंसर है वॉलमार्ट। ऑप्शन नंबर डी वॉलमार्ट। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के बीजेपी अध्यक्ष मदन लाल सैनी का निधन हो गया है? इसका सही आंसर है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। और वे राज्यसभा सदस्य भी थे, मदन लाल सैनी को जून 2018 में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और मदन लाल सैनी साल 1952 में RSS से भी जुड़े थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस देश पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ईरान। ऑप्शन नंबर सी ईरान। और ईरान का कैपिटल है तेहरान और यहाँ का करेंसी है ईरानियन रियाल ईरान का करेंसी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने अगस्त पहाड़ियों में पाए जाने वाले एक औषधीय पौधे हरियोग्य पाचा के अनुवांशिक बनावट का डिकोड किया है? इसका सही आंसर है केरल, केरल के वैज्ञानिक। और आरोग्य पाचा एक चमत्कारिक पौधा है, जिसका वनस्पतिक नाम है ट्राइकोपस जिलेनियस। और इस चमत्कारी पौधे का उपयोग कनी जनजाति के समुदायों द्वारा पारंपरिक रूप से थकान दूर करने के लिए किया जाता रहा है अगला क्वेश्चन, हाल ही में नासा के क्यूरोसिटी रोवर द्वारा किस ग्रह की वायु में मीथेन की उच्च मात्रा होने का डेटा भेजा गया है? इसका सही आंसर है मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर है मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी पर यह गैस सामान्यतः जीवित जीवों द्वारा उत्सर्जित होती है। वैज्ञानिक इस मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति का संकेत मान रहे हैं। अगला क्वेश्चन, और नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में बाढ़ की स्थितियों को बेहतर प्रबंधन के लिए एक एटलस लॉन्च किया है?
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में बाढ़ की स्थितियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक एटलस लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। इस एटलस के जरिए राज्य में बाढ़ प्रबंधन हेतु एक नई रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलेगी, और यह एटलस नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद और उड़ीसा राज्य विकास आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है, और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं, उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर हैं। स्वतः कुछ इंपॉर्टेंट 26 जून का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर।